नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बलिया लोकसभा क्षेत्र में लगातार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का दौरा जारी है। एक तरफ भाजपा राम मंदिर समेत कई विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष संविधान, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में बलिया लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई बड़े नेता बलिया दौरा कर रहे हैं और बलिया में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे ने नीरज शेखर को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि भाजपा सरकार में बहुत से विकास कार्य हुए हैं जो आज तक नहीं हुए थे। केंद्र सरकार में 10 साल में बहुत काम हुए हैं और राम मंदिर से लेकर एक्सप्रेसवे समेत तमाम विकास के कार्य हुए हैं। दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर इस बार लाखों वोटों के अंतर में चुनाव जीतने जा रहे हैं। और कृष्ण कुमार उपाध्याय और अजीत दुबे ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अपने का नाम और परिचय बताया। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार उपाध्याय और कप्तान उपाध्याय, संयोजक पूर्वांचल विकास मंच, नवराज्य निर्माण महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव। जी, आज आप बलिया आए हुए हैं, क्या कहेंगे बलिया की राजनीति को लेकर? जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियाँ तेज है और लगातार समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों लोग चुनावी मैदान में है और भी दमदारी के साथ, क्या लगता है आपको बलिया में कैसा माहौल होने जा रहा है? बलिया में माहौल एक तरफा होने जा रहा है, मोदी में बलिया हो गया। जैसा कि अभी सुना है आपने कि मोदी यस मोदी नो, एक पक्ष मोदी को हटाने पर लगा है, एक मोदी को बैठाने पर लगा है। मोदी को बैठाने वाले की संख्या ज़्यादा है, वो भारी पड़ रहा है। लेकिन नकारात्मक सोच है, मोदी को बैठाने वालों की सकारात्मक सोच। आज देखा गया कि बलिया के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के नागराय जी हैं, कल अखिलेश यादव ने उनका नाम नहीं लिया मंच से, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया, इससे बीजेपी को कितना मजबूती मिलेगी? और बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, इसलिए मिलेगी कि नारायण राय एक बड़ा नाम है, क्रांतिकारी नेता है, जुझारू नेता है, जमीनी नेता है, उसकी पकड़ है कार्यकर्ताओं पर। और इसको सपा छोड़ने के बाद और भाजपा को समर्थन करने से भाजपा को तो बहुत भारी लाभ हो ही रहा है, सपा का हौसला पस्त हो रहा है। क्या लगता है इस चुनाव में सपा की क्या स्थिति होने जा रही है? सपा की स्थिति कहीं कुछ नहीं होने जा रही है, बलिया की तीनों सीट जो है भाजपा जीतने की शिकायत है। वहाँ लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे। तो क्या आपका अपील रहेगा बलिया के मतदाताओं से इस दिन को लेकर? ये रहेगा कि राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान हड़प लिया है उसको वापस करने के लिए, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए और आर्थिक रूप से भारत को विश्व की तीसरी शक्ति बनाने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सीट देना चाहिए मोदी को, और मोदी को भारी बहुमत से जीतना। अपने के नाम और परिचय बता दो। मैं अजीत दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुरी समाज और दिल्ली सरकार की मैथिली भोजपुरी एकेडमी का पूर्व वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज बलिया पाए हुए हैं, क्या पर्पज है आने की और क्या कहेंगे आप? बलिया मेरा जन्म स्थान है, हमारे पिता भारत सरकार में रहनी दिल्ली में, शिक्षा दिल्ली से भई, लेकिन बलिया के प्रति एक मातृभाषा, मातृभूमि के प्रति एक सम्मान और एक याद। नीरज शेखर यहाँ से मोदी जी के दूत के रूप में प्रत्याशी हैं, उनको मदद करने के लिए मैं आया। किस तरह से आप उनका मदद करेंगे? मैं बैरिया के लगभग एक दर्जन गांव, बलिया शहर के लगभग एक दर्जन गांव और सतना विधानसभा के एक दर्जन गांव, हर चुनाव में दिल्ली से आता हूँ और लगभग 40 से 50 गांवों को कवर करता हूँ और अपनी बात उनके प्रति रखता हूँ कि क्यों नीरज, तो आज इसके पहले भी आप कब बलिया आए? मैं बलिया 2009 में आया था, उसके पहले चंद्रशेखर जी के कार्यकाल में मैं आता था, जब कई बार मार्क तुली बीबीसी के करस्पॉन्डेंट कई कई दिन यहाँ रहते थे, मैं तब भी आता था। तो फिर जिस तरीके से चुनावी माहौल है, आप भी आए होंगे, लोगों से बातचीत किए होंगे, कुछ आंकड़े मिले होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 25 तारीख को दिल्ली में छठे फेज का चुनाव था, मैं दिल्ली का वोटर हूँ, मैंने पहली बार महसूस किया 50 साल में कि लोग स्वतः कह रहे थे कि भाई मोदी जी को वोट देना है,
ऐसा पॉजिटिव माहौल किसी पार्टी के लिए मैंने आज तक नहीं देखा। और इस चुनाव में विषय बड़ा सिंपल है, मोदी यस और मोदी नो, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का कोई मतलब नहीं। जैसा मोदी जी खुद कहते हैं, आपका एक कमल का बटन सीधा मुझे आता है, बात सही है। तो जब मोदी जी कह रहे हैं ये बात, तो जब केंद्र में मोदी सरकार आ रही है, यूपी में मोदी सरकार है, तो नेचुरली उस पार्टी का सांसद होगा वो ज़्यादा कार्यकुशलता का निर्वाह कर सकता। तो जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है, और उनका यह आरोप है कि इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, ना रोजगारी पे ये सरकार बात करती है ना महंगाई पे, और इसकी चरम सीमा लगातार बढ़ती जा रही है, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये जो बेरोजगारी और महंगाई जो है, मैं बचपन में दिनमान पढ़ के बड़ा हुआ, दिलमान 1965 में आई पत्रिका तो कहती थी कि आप राजनीति कर नहीं सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं, दिलमान पढ़िए। तो ये बेरोजगारी और महंगाई को पहली बार आदमी सुन रहा है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं अद्भुत भारत के गौरव के लिए, हमें उनको भी देखना चाहिए, इस दिशा में भी काम होना चाहिए, सरकार कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं एग्जम्पलरी। इसलिए मोदी जी का जब पूरे देश का मन बन गया है, तो बलिया जो अंतिम फेज में, सातवें फेज में है, बलिया भी उसमें अपनी आहुति दे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो आप बलिया पाए हुए हैं, क्या लोगों से क्या आपके द्वारा अपील रहेगा? मुझे लगा कि बलिया के लोग, मेजॉरिटी लोग बलिया के मोदी जी के साथ हैं, और जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी चार हैं दिन, जैसे आज एक डेवलपमेंट पॉलिटिकल हुई जो आप लोग भी कवर किए हैं, मेरा मानना है कि रोज़ चीज़ें और बेहतर हो रही हैं बीजेपी की, और वोटिंग डे के आते आते पोजीशन विल बी वेरी क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर। तो इस बार अगर फिर से बीजेपी सरकार बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कार्य किस क्षेत्र में होना चाहिए? देखिए, मैं तो जानता हूँ एक सफल लीडर अपने आप, उसको पता है क्या नेतृत्व देना है, हम लोगों को अपना काम करना है, वो हमारे लीडर है, एंड ही डज वट एवर इज़ गुड फॉर द नेशन। तो हमें उन पर विश्वास रखना है। मोदी जी की सरकार, अमित शाह की सरकार, योगी जी की सरकार सच में असंभव को संभव बना रहे हैं। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।